बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बोदरा फाटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पालांदुर तहसील के देवरी निवासी राजेश भरत कुमरे उम्र 39 वर्ष मृतक का नाम है। घटना को लेकर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। जहरीले सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। घटना कवलेवाड़ा में हुई। मृतक का नाम राजेश रविशंकर गोपाले उम्र 32 वर्ष है। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। सड़क के बीच चारपहिया वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने के आरोप में पुलिस ने उसके चालक आरोपी अनिल सोनवानी उम्र 32 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। घर में घुसकर पति पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर तुमसर पुलिस ने 4 आरोपियों पर धारा 452, 403, 323, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया। मामूली बात पर दंपत्ति ने वृद्ध की पिटाई कर दी। इसे लेकर ग्राम सोमनाला निवासी गणपत मारुति मिश्रा उम्र 70 वर्ष की शिकायत पर अडाल पुलिस ने आरोपी दंपत्ति पर धारा 324, 504, 506, 34 के तहत मामला दर्ज किया। रेत लदे टिप्पर पर पौनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 ब्रास रेत समेत कुल 20,24,000 का माल जब्त किया है और आरोपियों पर धारा 379, 109 के तहत मामला दर्ज किया। निर्माण सामग्री चुराने वाले युवक पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना शहर के बाबा मस्तान शाह वार्ड मस्जिद परिसर में हुई। इसे लेकर भंडारा पुलिस ने आरोपी राहुल ढेंगे पर धारा 379, 511 के तहत मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।